अस्सलाम वालेकुम मैंगो पीपल, हाउ आर यू, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग, ज़ारिब का व्लॉग। और बेगम जो है वो ड्यूटी से आकर उन्होंने मुझे उठा दिया, मैं नमाज पढ़ ली है। बेगम ने अपने सर पे ऑयलिंग करने के बाद अब वो मेरे सर की ऑयलिंग कर रही हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे? सो जाएंगे वापस। जरना थोड़ी देर रेस्ट लेंगी। आपके भाई ने ब्लॉग एडिट कर दिया है और आपका भाई जो है वो आज फाइनल करेगा भी बैठ के कि आप लोग में से कौन 2000 रुपए जीता है भाई, क्योंकि 4500 कॉमेंट्स हैं। तो मैं कोई रैंडम 4 लोग निकालूंगा जो बिल्कुल एक्यूरेट, जिन्होंने बोला होगा कि भाई इतने की ग्रोसरी आई थी। 4 नाम मतलब निकालेंगे और उन 4ों में से जो ज्यादा क्लोज होगा। नहीं नहीं कुछ ऐसे भी देख लिए मैंने ऐसे स्क्रॉल करते हुए जो बिल्कुल जिन्होंने एक्यूरेट फिगर देखा था। तो एक्यूरेट फिगर वाले जो है ना वो 4 लोग हम निकालेंगे रैंडम, और उस रैंडम लोगों में से जो है वो हम पर्ची निकालेंगे। और पर्ची कोई भी, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेचारे बाकी 3ों ने भी तो सही बताया होगा। इससे बेहतर ये है कि 4 रैंडम आप निकालें, उन 4ों में से जो सबसे ज्यादा क्लोज है वो उसको कर दें। ठीक है भाई, तो आज हम अनाउंस करेंगे जब हम घर पे जाएंगे इफ्तार पे मम्मा के पास, तो मम्मा कोई ना कोई एक पर्ची निकालेंगी और जिसकी निकलगी वो जीत जाएगा। यो आपके भाई का अपना PSL चल रहा है। क्वेटा ने जो है ना मुझे खोते की तरह मारा है, 222 रन। और अभी आपके भाई के 2 ओवर 4 बॉलों पे 46 रन, 48 रन। कराची से वैसे तो कुछ होता नहीं है, मैंने चलो गेम में ही मैं इनको जितवा दूँ। लोगों के सामने चौड़ा हुआ ना तो मेरे लगातार 2 आउट हो गए। अब मुझे जो है ना वो 60 बॉलों पे 85 रन चाहिए। मेरी जो है वो नमाज पढ़ ली। हेलो छोटू, नमाज पढ़ ली मेरी प्यारी सी बेगम। हमने सोचा था कि हम पहला इफ्तार अम्मी के साथ करेंगे, और बस अभी भी मैं नहा के निकली हूँ और टाइम हो रहा है 5:40। अभी फटाफट भागेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी देर होगी, और लारिफ में भी नहाना था लेकिन अब देर होगी। तो लारिफ ने बोला कि मैं वहीं उस घर जाके नहाऊंगा। फटाफट से जाते हैं अम्मी के साथ इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह, फिर देखते हैं क्या होता है। लाली घाड़ी में बैठे मेरा वेट कर रहे हैं। मैंने अपने पास ना एक, जैसे इंस्टाग्राम पे हम चीजें सेव करते हैं ना, तो वहाँ पर अब आप ऑप्शन भी, मतलब वहाँ पे आप नाम रख सकते हो ना फोल्डर का। तो मैंने वहाँ पे फोल्डर बनाया, इसका मैंने नाम रखा है इफ्तार। और इसके अंदर मैंने इतनी टॉप क्लास रेसिपीज मैंने उसके अंदर सेव की हुई है ना, कि मैं लारिफ को ये भी बना के दूंगी, वो भी बना के दूंगी, लेकिन कब दूंगी ये नहीं पता। और 2 दिन तो ऐसे जब मैंने वो देखी उसके अंदर, एक तो दही बड़े के अंदर वो जो फुल्कियां होती है ना वो भी उसने घर पे बनाई हुई थी, तो जब मैंने देखा ना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगा, तो मैंने उसको अनसेव कर दिया। मैंने कहा ये मैं नहीं बनाऊंगा। मैं सबसे ज्यादा कोशिश करूं, मैं मजा आता है कि जना मुझे दिखा दिया। क्योंकि इन्होंने अभी भी शहरी में कुछ भी नहीं खाया, अंडा पराठा मुझे पता होता ना अंडा पराठा है, तो मैं आती नहीं घर। मुझे तो लगा था कुछ फरमाइश करेंगे, मैं इनको बना के दूंगी अच्छा सा ताजा ताजा, फिर ये खाएंगे। इसलिए मैं इफ्तार में भी पूछती हूँ, अगर आप ये खाएंगे तो फिर मैं इसकी रेसिपी सेव करूंगा। कल मैं बनाऊंगी 5 से 6 डिशेज इफ्तार में इंशाल्लाह। वैसे मैं सबसे ज्यादा जो खाता हूँ ना इफ्तार में, वो मैं खाता हूँ नानी के हाथ के समोसा, फ्रेंच फ्राइज। मतलब ये मेरी इफ्तारी शुरू से यही रहती है। चले आपकी जो हम जो आप मैजिकल चीजें बनाएंगे, अब मैं वो भी खाती हूँ। उसका हम लोग तो पंजाब में जब, मतलब मैं अपने घर में जब होती थी, हम लोग इफ्तार करते थे, हम चना चाट, फ्रूट चाट, पकौड़े, समोसे, दही भड़े, मतलब हम ये सब चीजें, इस तरह की चीजें खाते हैं। मैं फ्रूट चाट तो नहीं खाता, दही भड़े, चना चाट खाते हैं। चना चाट थोड़ा बहुत हल्का फुल्का खा लो, फिर तो वो चलते फिरते भी खा लेगा ना बंदा। यार मतलब इफ्तार में मजा आता है ना, आपके सामने इतनी सारी चीजें पड़ी हुई हैं, तो उसमें से कभी आप ये उठा के खा रहे हो, कभी ये उठा के खा रहे हो। और मैं तो अल्लाह माफ करे, फिर नमाज भी इतनी जल्दी जल्दी पढ़ती थी कि बस जल्दी जल्दी नमाज पढ़ के जाऊँ इससे पहले कि कोई और सब खत्म कर दे। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर हम जाएंगे इफ्तार करेंगे आज, और कल मैं इफ्तार करूंगी, फिर कल अम्मी को बोलेंगे घर आ जाए, मैं ढेर सारी चीजें बनाऊंगी। जरनाब को सीढ़े चढ़ने की आदत नहीं है, तो जरनाब का सीढ़े चढ़ के पेट्रोल हो गया है। लाइट वाइट खोलो, क्या कर रही हो? बेहतरीन। 3 अलग अलग वेरिएंट के जूसेस बनेंगे, जिसमें से एक स्पेशली मेरा होता है, मैं किसी से शेयर नहीं करता। पकौड़े बन चुके हैं और मैडम जो सुनाइयां कर रहे हैं मुझे। मम्मा ने पकौड़े वो जल्दी नहीं बना दिए, ठंडे नहीं हो जाएंगे। स्लैंटी टाइम। ओ माय गॉड, इतनी प्यारी धोबन। आपके लाड प्यार स्ट्रॉबेरी खाएंगी। वाह भाई वाह। अम्मी को पता है कि मैं फ्रूट खाती हूं। आज इफ्तारी में पकोड़े बने हैं, नानी वाले समोसे, रोल, बॉक्स पैटी, जरनाब। मैं बैठी इसके आगे। पहला रोजा इफ्तार, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो करूंगा। क्या कर लोगे सालो। खैर हमारी इफ्तारी हो गई है, मैडम ने पहले ही डाका मार लिया है। आपको नानी का समोसा कैसा लगा, सच्ची सच्ची बताइएगा। मैंने पहले भी खाया था।
हाँ गेम शो में खाया आपने, आप तो खैर खाती ही हो। ठीक है तुम्हें कैसा लगा? मैं तो खाती हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो नूरुलैन आई हुई है हमारे घर में। मैंने समैंथा होती है नूरुलैन बड़ी मतलब ही है, है? अच्छा मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने कहा पहली सहरी मैं पापा के साथ आती है या तो लारे बैठा तो आऊंगी। जरनाब ने ना मेरे इस चम्मच पे डाका मार दिया। खैर गाइस मैं आपको इस चम्मच की स्टोरी बताता हूँ। चम्मच की स्टोरी बताएंगी द वन एंड ओनली ठूसला इमोशनल डैमेज। इसको जब मोशंस होते थे अच्छा रहे अब मोय मोय हो गया ये तो वो वाला बता रहा था कि इससे खाना खिलाती थी सिरप वाला नहीं बताता सबको होते हैं क्या हो गया मुझे अकेले को थोड़ी होते थे। इसको ट्राइमनिक का सिरप पिलाती थी जब इसको फ्लू और खांसी होती पहले मोई हुए एक दफा ना इसको मोशंस लग गए इसके दांत आ रहे थे। इसका फर्स्ट बर्थडे ग्रैंड सेलिब्रेशन इसको मोशंस लग गए। उस वक्त में स्टार्ट हुआ था कराची में लोड शेडिंग तो इसके डैड हमें लेके एक होटल में चले गए कि वहाँ पे प्रॉपर एसी वगैरह सेटअप होगा। हम वहाँ चले गए दोनों तैयार हुआ ही फिर बहुत बड़े पैमाने पे इसकी बर्थडे थी सरप्राइज बर्थडे थी। हम जब वहाँ पहुँचे इसको मोशन इतने ज़्यादा शदीद थे बड़े बड़े डॉक्टर्स दिखाए किसी से नहीं ठीक हुआ। मेरे अबू ना हमें बचपन में स्टेप्टो मैग्मा पिलाते थे मैंने चुपके से वो दवाई परचेज की और वो उसे पिलाई ये ठीक हो गया। ये पहली बर्थडे थी ना जनाब तो समझ लें इस टेबल को इस तरह डबल कर लो इतना बड़ा केक था। इस टेबल को इतना बड़ा चौड़ाई में डबल कर दो लंबाई में इतना बड़ा केक था मेरी पहली बर्थडे। पहली बर्थडे कितने लोग थे हमें कम से कम 1000 लोग आए थे ना 1000 लोग आए थे मेरी बर्थडे पे। पापा ने रखी थी मैं आपको मेरी बर्थडे में लाइव भाई दिखाऊंगा वो इतने से थे तो भी अच्छी सी थी। अभी मैं आप लोगों के कैडेट कॉलेज के टाइम की आपको एक फोटो दिखाऊंगा दोनों को। सो गाइज मैं अभी जो है ना इनको एक फोटो शेयर करने वाला हूँ परसों मेरे कैडेट कॉलेज के दोस्त ने भेजी थी तो कोई भी वो पिक्चर देख कर हंसेगा नहीं और बोलेगा क्या माशाल्लाह बुलंद आवाज में। गाइज ये फोटो आपके भाई की एक इतना क्यूट आपको ही लग रहा है जानू आने लग रहा है। अच्छा मैंने पहले इसको देखा मैंने कहा ये तो नहीं ये है लारे ये फंटर बच्चा लग रहा है ना। हाँ, फंटर था थोड़ी ये बाल तो देखे कैसे कटे हुए अल्लाह कैडेट कॉलेज में इतने से बाल होते थे वैसे ही वो गाय जिसे जिसे दुमे की चक्की काट देना उससे कच कर 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 बाल काट देना हमारे। यार सारी बातें एक तरफ सारा एहतमाम एक तरफ ये फ्रूट चाट दही भले फलाना निमका शिमका लिमका मगर जो नानी के समोसे हैं ना मेरी अल्लाह ताला नानी को ता हयात सलामत रखे और हमारे बच्चों के बच्चे भी नानी के हाथ के समोसे खाएं। मुझे नहीं पता दूसरों को कैसे लगता है क्योंकि हमारे सा नानी हमारी माशाल्लाह जो है ना वो आयरन मैन है। मतलब मम्मा लोग 5-6 बहनें सबके घर में जाते हैं नानी के हाथ के समोसे बन के मगर सबके किसी के 4 बच्चे किसी के 5 बच्चे हैं। मैं अकलौता हूँ मम्मा का मगर सबसे ज़्यादा समोसे जो खाते हैं ना पूरे रमज़ान में वो मैं खाता हूँ। मतलब वो 5-10 बच्चे भी नहीं खाते जितने मैं खाता हूँ। तो नानी आई लव यू नानी के समोसे इतने VIP होते हैं कि मैं चलते फिरते भी खाता हूँ। मम्मी इतने एक्स्ट्रा बनाती हैं कि मैं रात को आता हूँ तो खा लिए इस तरह। सो गाइस फाइनली वो मरहला आ गया है मेरी बेगम ने मेरी कैब उतरवा दी है बोलती लाली आप ऐसे ही अच्छे लगते हो आपको अच्छे ही लगते हैं मुझे अच्छे लगते हो तो आप ऐसे ही ब्लॉग बनाने की आदत डालें तो अजीब मतलब पता नहीं क्या है ऐसी मेरे पे ज़्यादा ना भरमबाजी करने की ज़रूरत ही जरनाब। गाइस फाइनली हम लोग जो हैं वो 4 लकी बंदे सेलेक्ट करेंगे 2 जरनाब करनी है 2 मैं करूँगा और पर्ची बनाएंगे तो वो उठाएंगी मम्मा। मम्मा बेसिकली हुआ ये कि जो हमारा लास्ट से लास्ट व्लॉग था उसमें हमने कहा था कि जो हमारी ग्रॉसरी की सही प्राइस मेंशन कर देगा उसको हम 2000 रुपये का गिव अवे करेंगे। तो हम जो है नाम रैंडम निकाल लें 5000 कमेंट हुए हैं उससे हम कोई 4 जिन्होंने बिल्कुल एक्यूरेट छक्का मारा हुआ है तो जनाब 1 2 3 करूँ ये कमेंट जो है ना मिल गया। कौन है भाई ये है ये हम माइदा रजाक 0229 अराउंड 55K। एक जरनाब ने जो है ना वो टॉप कमेंट से करा आप दूसरा जो है वो न्यूएस्ट कमेंट से सेलेक्ट करिए नाम जरनाब देखेंगे मतलब बहुत सारे लोग हैं 35,000 10,000 15,000 लाख 1.5 लाख भी लिखा लोगों ने। चले जब आप स्टॉप बोलेंगे मैं रोक दूंगी इधर कोई भी नहीं ये 35 तो गलत है बस अपने हिसाब से रैंडम कोई नंबर निकाल लें। चले शाबाश चलो आई थिंक 30-35 के होगा नहीं भाई ये भी गलत है। और जरनाब का दूसरा नाम जो है वो है NM12292 उन्होंने लिखा है 55K बिल्कुल सही 100-200 ऊपर नीचे थे मगर सही 55K से ऊपर ही थे। यह 7 घंटे पहले एक ने किया है IRAM इरम फातिमा 55,000 एक हो गया फटाफट दूसरा अम्मी गिव अवे के लिए सामान लेकर आई पेपर लेकर आ रही है अम्मा पेपर निकालेंगे कौन है
तो भाई आखिरी एक और जो है हमारे पास विनर आ गई, वो है रामीन खालिद 4027। अब इनके अब नाम इन चारों में से कोई एक होगा। अब इनके नाम मैं लिखता हूँ पर्चों पे, चार पर्चों में से अम्मा जो नाम उठा लेंगे उसका उनको हम इस व्लॉग में कमेंट में पिन करके मेंशन कर देंगे। आप अपनी डिटेल हमें बता दिएगा या आप हमें ईमेल कर दिएगा अपना नंबर इजी पैसा का, जैस कैश का या बैंक अकाउंट का, हम आपको ट्रांसफर अपने पर्सनल अकाउंट से आपको ट्रांसफर कर दूंगा। जनाब ने चारों पर्चियां कर दी हैं मिक्स, निकालेंगी अम्मा इन 3 2 1। बचपन याद आएगा गेम खेलने चोर पुलिस सिपाही वाला। चलो अम्मा अब जिसके नसीब में हुआ वो ये वाला कौन होगा? मुझे लगता है फायदा जो आपने निकाली थी। रामीन खालिद 4027। कॉन्ग्रेचुलेशन आप जीते पूरे 2000 रुपीज। पी के आर कायदे आजम जिंदाबाद। तो रामीन हम आपको इस ब्लॉग के कमेंट में हम जो है वो आपका नाम पिन कर रहे हैं। अगर आप देख रही हैं आपका यूज़र नेम हमारे पास है उससे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे डीएम करें या मेरे ईमेल आईडी पे आप जो है वो अपनी डिटेल्स मेंशन कर दें तो फिर हम आपको आपके अमाना ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आपका जवाब 3-3 रुपये नहीं आया तो हम उसके बाद वाले को दे देंगे। सही बात में तो दम है जिंदगी में कोई नहीं कम है बात में तो दम। तो भाई हमारे तो तीन सेकंड जो होगा सेकंड ये होगा। हाँ सेकंड भी मम्मा ने निकाल लिया। अगर अगर निकाले कौन है फिर अगर 3 दिन में इसका भी नहीं आया तीसरा होगा फिर हमारा हो जाएगा। और मैं हूँ अंधी NM1229 2। जनाब ने जो है ना घर पर आके अम्मी से मेरी 200, 200, 300 शिकायतें लगा दी हैं। शिकायती टट्टू डरते हैं ना मुझसे, अम्मी से डरते हैं उसके बाद। पंखा तो बंद कर इतना शोर आ रहा है। कराची गर्म ना हो। आपने मुझे बोला है कि लाली ब्लॉग खोल पता नहीं क्या कर रही है, क्या कर रही है गाइस? अभी मैं लॉक कर दिया यार, तंग करके रखा हुआ है मुझे। गाइस टेक टू। हाँ जी बोले क्या है चोर? गिव मी साइलेंस। मैं घर से कपड़ा उठा के ले गया ना, सारे कपड़े उठा लिए डकैत। तंगा बाली किट्टा वराड़ी नहीं, मेरी बात सुने। अगर आप ये कह देते कि बीवी ने मना मना करा मैं नहीं आ रहा। अभी मुझे जो है ना बॉयज का मैसेज आया कि लारे भाई मैच खेलने नहीं आ रहे इस साल, रमजान में सदर चक्कर नहीं लगाया। तो मैंने बोला यार मी ने मना कर दिया, क्रिकेट छोड़ दो बस। गाइस मैं आपको लारे पे चला के बताती हूँ। मैंने लारे को बोला लारे आज शहरी में क्या खाएंगे ना, तो लारे मुझे कह रहे हैं कि मैं अंडा पराठा ही खाऊंगा। तो मैं लारे को बोल रही हूँ यार आप रोज अंडा पराठा क्यों खाएंगे, मतलब आप कुछ बताएं। तो आगे से मुझे इनकी चलाकी ठीक है, ये मुझे कह रहे नहीं यार वो पहले तो वो बाहर जब मैं खेलता हूँ ना और दोस्तों के साथ क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हैं ना तो भूख लगती है, फिर दिल चाहता है कि बंदा सालन खाए ये खाए वो खाए। अब जब घर में ये कुछ नहीं कर रहे तो फिर अंडे से ही पेट भर जाता है। मैंने कहा ठीक है, अब आप मुझे इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं कि बेगम जान क्या मैं खेलने चले जाया करूँ? लेकिन आपको पता था अगर लारिफ डायरेक्ट आके मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी एब्सोल्युटली नॉट। मैंने लारे को बोला, मैंने कहा फिर इसका मतलब है कि आप 30 दिन 30 अंडे खाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं, अंडे सेहत के लिए अच्छे हैं, प्रोटीन है। लेकिन मैंने लारे को बोला कि आप इधर हमारी गली में आप जो यहाँ पे बच्चे हैं उनके साथ आप क्रिकेट खेले, आप इतनी दूर क्यों जाएंगे? क्योंकि ऑब्वियसली ये जाएंगे तो जब तक ये घर पर नहीं आएंगे मेरा दिल ऐसे 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 होता रहेगा कि पता नहीं कहाँ है ठीक है ये वो। हालात भी तो कराची में ऐसे हो जाते हैं ना, कभी भी कुछ भी हो जाता, तो इसलिए इट्स बेटर टू स्टे इन योर हदूद। यू गॉट माय पॉइंट मैन? ये बॉय ये सेक्सी ए चमिया हटो भाई लाली। सहरी जो है भाई वो हमारी हो गई है और मेरा रोज़ा जो है ना वो मैं बचपन से ग्लूकोज डी के बगैर नहीं रख सकता, तो मेरा तो ये होता है ग्लूकोज डी के साथ और जरनाब पीती है सादा पानी। मेरी मम्मी मुझसे नाराज़ है, मैंने सिलेंडर नहीं भरवाया टाइम पर। आई एम सॉरी। ओके मैं सब्ज़ी भी रात को लेट जाके ले आया था गाइस, मेरी वजह से जो है ना दो भंडों में बड़े, वो मैं आपको कल बताऊँगा।